हम उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की भी बात कर लेते हैं। दोनों सीटों की अनंत हम साझा तौर पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से भी। उत्तर पूर्वी दिल्ली, ये दिल्ली की इकलौती ऐसी सीट है जहां बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे और पुराने सांसद यानी कि मनोज तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवारों के टिकट काट दिए थे, लेकिन यहां एक बार फिर से पूर्वांचल के चेहरे, बड़े सुपरस्टार, भोजपुरी गायक, फिल्म एक्टर और मनोज तिवारी को फिर से मैदान में उतारा है। इस सीट पर सामने जो मुकाबला है वो मनोज तिवारी का मुकाबला है कन्हैया कुमार से, जो कि एक समय जेएनयू के विद्यार्थी हुआ करते थे और उस समय उनका एक बयान जो है टुकड़े टुकड़े करके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, विवाद में रहा था। इसके बाद वो पिछला लोकसभा चुनाव गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़े थे लेकिन हार गए थे। इस बार दिल्ली माइग्रेट हो गए हैं, चुनाव मैदान में हैं और ये कहा जा रहा है कि ये वो सीट है जहां पर सबसे अच्छा मुकाबला है। तो हम अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी शरद शर्मा बता रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का मूड क्या है। क्या मुद्दे आपके हिसाब से इस बार हावी रहे हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में? सर देखो, सबसे पहली बात तो ये जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, किसी विकास के काम पे वोट नहीं कर रहे, बेरोजगारी है सर सबसे पहला मुद्दा। और सर स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए केजरीवाल जी ने अच्छे बनवाया है, इनका एक ही मुद्दा है जय श्री राम जय श्री राम। क्या पहले जय श्री राम नहीं थे? ईश्वर सबसे सर ईश्वर के नाम पे वोट ना मांगे। मैडम जैसे बता रही हैं कि यहाँ पर जो है बस बीजेपी ने जय श्री राम पर ही वोट मांगे हैं, आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहे इन चुनावों में? क्या मुद्दे रहे? देश की उन्नति के लिए वोट, हिंदुत्व के लिए वोट, देश की तरक्की के लिए जितने फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं इनके लिए वोट। आज की परिस्थिति में लोग रोजगार से परेशान है, व्यापार से परेशान है, हम व्यापारी के मार्केट में खड़े हैं। आप यहाँ व्यापारियों से पूछो, कारोबार लगभग खत्म हो गया है, नीतियाँ गलत हैं। सर हिंदू मुसलमान करने से नहीं होता कुछ, अगर आपने काम किया हो काम गिनवाओ ना। अब केजरीवाल जी थे, उन्होंने खुलेआम कहा था खड़े होके कि अगर मैंने कुछ किया तो मुझे वोट दे दो वरना मत दो ना वोट। इनमें किसी में दम है ये बात बोलने की? तीन पीढ़ियों से इसी क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं और जितना डेवलपमेंट हमने पिछले 10 सालों में देखा मोदी सरकार के अंदर, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। तीन तीन केंद्रीय विद्यालय दिए, डबल डेकर रोड दिए, देहरादून एक्सप्रेसवे दिया है। तो आपने सुना जनता की आवाज़। मैं सीधे यहाँ पर रुख करना चाहूँगा अमिताभ तिवारी जी का। अमिताभ जी, बात उत्तर पूर्वी दिल्ली की आपसे मैं करना चाहूँगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली इस समय दिल्ली की हॉट सीट माना जा रहा है, तमाम लोगों की निगाहें इस पर हैं। कन्हैया कुमार एक तरफ हैं, मनोज तिवारी एक तरफ है, कन्हैया कुमार के समर्थन में राहुल गांधी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके साथ रोड शो कर रहे हैं, टक्कर कैसी दिख रही है आपको? देखिए, टक्कर तो अच्छी दे रहे हैं कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को। हालांकि यहाँ पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट अगर जोड़ भी दिया जाए 2019 का, तो भी 9% की लीड है भाजपा को यहाँ पर, तो लीड बड़ी अच्छी खासी है। अब इसको नाप पाना कन्हैया कुमार के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि किसी भी अलायंस में सबसे बड़ी बात होती है सीमलेस ट्रांसफ़र ऑफ वोट। क्या कांग्रेस पार्टी का 100% वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफ़र होगा या आम आदमी पार्टी का 100% वोट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफ़र होगा कि नहीं? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अलायंस बीजेपी के खिलाफ 2015 का लालू यादव और नीतीश कुमार का अलायंस रहा है, जिसने बीजेपी को हराया था उस चुनाव में। वहाँ पर भी लगभग 10% लीकेज हो जाता है वोट शेयर में जब दो पार्टीज एक साथ लड़ती हैं।